हम लोगों को पता है क्या मेल बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? वो होता है जीमन, क्योंकि हर एक जीमन एक नए बेबी को फॉर्म करने की ताकत रखता है। और आजकल के समय में हम लोग देखें तो आजकल लोग इस जीमन को यानी स्पर्म को ऐसे वेस्ट कर रहा है, जैसे लगता है जैसे कि ये तो भगवान का दिया हुआ एकदम अनलिमिटेड खजाना है। हम लोगों के बॉडी में जीमन बस एक लिमिट में बनता है और लिमिट में रहता है, और उस पर भी हम लोग उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि जीमन इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है और उसका बचाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको इसके तीन एग्जांपल देंगे, उससे हम आपको बताते हैं कि जीमन बचाना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आप लोग मोहम्मद अली का नाम तो सुने ही होंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बॉक्सर थे और इनसे जीतना मतलब नामुमकिन के बराबर था। और इनके बारे में बताया जाता है कि जब ये मैच लड़ते थे तो अगर आप इनके ऊपर पैसे लगाओ तो आप ये करोड़पति बना सकते थे, क्योंकि ये मैच कभी हारते ही नहीं थे। और मोहम्मद अली खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि हम खुद सीमन रिटेंशन को यानी सीमन को बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और मेरा खुद का राज जो हम इतने बड़े प्रोफेशनल बॉक्सर बने हैं या फिर इतने स्ट्रांग हैं, इसका मेन मुद्दा वही है सीमन रिटेंशन। यानी कि हम अपने जब मेरा मैच होता है उससे पहले हम जीमन को बचाते हैं, बिल्कुल भी जीमन को वेस्ट नहीं करते हैं, उसके बाद हम मैच के लिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहेंगे, आप लोग इनका नाम तो सुना ही होगा, निकोलस टेस्ला जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसी करेंट का भी निर्माण किया था, आप लोगों को पता होगा। निकोलस टेस्ला का खुद ये कहना था कि साइंटिस्ट को क्रिएटिव माइंड होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो खुद भी सीमन रिटेंशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और वो सीमन को बचाते थे। तीसरे नंबर पे हम आपको एग्जांपल दे दो, फिर से नहीं आ जाएंगे, डेविड हाय, ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर ना है और ये भी बहुत एक तगड़े बॉक्सर थे। इनका खुद कहना था कि हम सीमन रिटेंशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये सीमन जो है हम लोगों के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। और हम खुद मैच से 6 हफ्तों पहले, मैच जो उनका बॉक्सिंग का होता है, उनके 6 हफ्ते पहले तक जीमन को बिल्कुल भी इजैकुलेट नहीं करते हैं। और अगर कोई बॉक्सर अलग अपोनेंट इनका अगर ये करने में कामयाब हो जाए तो हो सकता है कि वो अगला मैच हार जाए। तो जीमन रिटेंशन एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, और जीमन रिटेंशन करके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े इंसान बहुत ही कामयाबी को छुए हैं। इसका किसका नाम ले, निकोलस टेस्ला का ले लीजिए, एलोन मस्क का आप लोग ले लीजिए, रतन टाटा का ले लीजिए, मतलब। और एक इंसान और के बारे में बताते हैं, उनका नाम है स्टीव जॉब्स के बारे में तो आप लोग सुने ही होइएगा। स्टीव जॉब्स की जो वाइफ थी वो खुद कहती थी कि स्टीव जो थे हमेशा से इजैकुलेट होने से बचते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने सेक्सुअल एनर्जी यानी सेक्सुअल पावर जो है उसको वो अपने फाइनेंशियल पावर में कन्वर्ट करना चाहते थे, तब्दील करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो सेक्सुअल पावर होता है जीमन का, आप चाहो तो आप उसको अलग अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के मोहम्मद अली फाइटिंग स्किल्स को बढ़ाने में किए, स्टीव जॉब्स फाइनेंशियल इनकम बढ़ाने में किए, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं हम लोग के अभी अपने ब्रेन का पावर बढ़ाने में कर सकते हैं। तो ये जीमन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल बॉडी के लिए, और बहुत बड़े बड़े लोग इसका यूज करके बहुत बड़े बड़े काम को हासिल किए हैं। तो हम लोग तो भाई इतना छोटे छोटे आदमी है, हम लोग अपने छोटे मोटे जो गोल्स हैं उसको तो हम लोग बड़े आसानी से कामयाबी पा सकते हैं, बहुत आसानी से अपने काम को हासिल कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं हम लोग, ये तो बड़ा आसानी से सीमन रिटेंशन को फॉलो कर कामयाब होया जा सकता है। वो लास्ट में हम आप लोगों को बताते हैं भाई सीमन रिटेंशन करना, ये तो बता दिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सीमन रिटेंशन आप करते हैं तो आपके साथ गो है क्या, ये हम बता दें कि आपको क्या क्या अपने अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो चेंज होगा वो होगा फिजिकल चेंज। तो अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, आपके बाल बहुत झड़ते हैं, तो ये सब आप बहुत ही कम हो जाएंगे, और एकदम एक टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, आपके चेहरे पे अलग ही शाइनिंग आएगा, आपके आँखों में एक चमक होगा, तो ये सब होगा। दूसरा जो चीज़ आएगा वो होगा आपका पावर का इंक्रीज होना। अगर आप लोगों को किसी से बात करने में डर लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो ये सब आपका सीमन रिटेंशन के बाद अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आप किसी लड़की से बात नहीं कर पाते हो, यानी आपको मतलब शर्म आता है, तो आपका ये जो शर्म है ना
ये आपका धीरे धीरे खत्म होगा और आपका कॉन्फिडेंस बाय लेवल 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 नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। आपकी काम करने की क्षमता यानी आप लोगों के काम करने की ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस कर पाओगे और आप लोग अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो तो आपको जीवन रिटेंशन जरूर करना चाहिए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन रिटेंशन करते हो या फिर नहीं करते हो, ये आपका चॉइस है। थैंक्स, लव यू।